ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। 12 अप्रैल को बोचहा में उपचुनाव होना है, इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी के पक्ष में वोट मांगने बोचहा जाएंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोचहा में चुनाव प्रचार करने के लिए निकल गए। चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर लोगों से वोट मांगती है। राज्य में और देश में महंगाई, बेरोजगारी सब चरम सीमा पर है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें सभी तबके के लोगों का समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर भी पलटवार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि उनके कई उम्मीदवार जीत रहे थे लेकिन हार गए। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि आप चुनाव में देखें, कई लोग उनके ही लोग उन्हीं के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और उन्होंने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब ये है कि उनकी पार्टी में कोई कंट्रोल उनका नहीं रह गया है। हमारे उम्मीदवार के खिलाफ अगर हमारे लोगों ने चुनाव लड़ा है तो हमने कार्रवाई की है। बोचहा चुनाव को लेकर के सब लोग जो है दावा दे ही रहे, हमको लगता है कि 12 को चुनाव है, 14 को परिणाम है। 3-4 दिनों का ही बात है, मेरे ख्याल से 5 दिन बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हालत तो भाजपा की खराब है। ग्रामीण जो है भाजपा के उम्मीदवार हो या उनके नेता हो, बोचहा ग्रामीण के लोग वो तो भगाने का काम कर रहे हैं उनको। लोग परेशान हैं और जब हम गए थे तो बड़ी संख्या में लोग आए भी, और कहीं ना कहीं से उन लोगों की डर और चिंता है कि पूरी ताकत जो है बोचहा चुनाव में उन लोगों ने उतारने का काम किया। सारे मंत्री, सारे विधायक, सब लोग हैं, तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों का आशीर्वाद जो है, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं अमर पासवान, उनको मिलेगा। और देखिए, चुनाव है तो सब नेता का जाना फर्ज भी बनता है, सब लोग जाते हैं वोट मांगने। लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जब भी जाते हैं तो किस बात पे वोट मांगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, किस नाम पे, या बिहार विशेष राज्य का दर्जा, आखिर किस नाम पे ये वोट मांगते हैं। हमको तो कोई काम नज़र आ नहीं रहा, ना वहाँ की जनता को नज़र आ रहा है। अगर काम के मामले में अगर बात की जाए तो साफ तौर पे बोचहा की जनता जो है मौजूदा सरकार को, एनडीए को नकारने का काम करेगी। और जो एमएलसी का जो चुनाव भी हुआ, आप देखिए ना, पश्चिम चंपारण में मुख्य उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के एमपी, वो चुनाव हारे। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो है वो चुनाव हारे। आप सुपौल कोसी वाले सीट की बात कीजिएगा तो मंत्री की बीवी जो है वो चुनाव हारी, और जहां बड़े नेता, कद्दावर नेता जदयू के आते हैं, जो विजेंद्र यादव मंत्री हैं, वो चुनाव हारे। तो ग्राफ देखिएगा तो हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, वोट कोई भी बाय इलेक्शन हम लोग लड़े हैं तो बढ़ा है। और बोचहा हम लोग पिछले बार लड़े थे, वहाँ से वीआईपी के जो मुसाफिर पासवान हैं वो जीते थे, वो भी हमारे ही दल के थे, पहले 2020 में गए थे। लेकिन उनके बेटे जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जीते। एमएलसी का जो परिणाम आया है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया है कि कहते हैं उनके कई उम्मीदवार जो जो जीत रहे थे वो हार गए थे, वो हार गए, थोड़ी देर पहले हुई सीट हम हार गए, आश्चर्य हो रहा है। बाबा इस पर हमको कुछ कहना नहीं है। बड़ा चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था, उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना,
लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की।